हेलो दोस्तों, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता है। अब यूजेस की हम सीरीज़ में हम कहाँ चल रहे थे, हमने हैबिचुअल एक्शन पढ़ लिए, हमने और भी अलग जो प्रयोग थे कई सारे प्रयोग पढ़े, पीछे एट और देयर का प्रयोग पढ़ा। तो अब क्योंकि हम देखिए स्पीकिंग के भी उसमें हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें इन सब की आवश्यकता होती है। इनको पढ़ने के लिए, इनको स्पीकिंग में समझने के लिए हमें इनको थोड़ा सा इनका डीप स्टडी करनी पड़ती है। और उसी कड़ी में आज मैं आपको कीप ऑन और वेंट ऑन, हाँ, और इसका सेकंड फॉर्म होती है कैप्ट ऑन और वेंट ऑन, कीप ऑन और गो ऑन की, तो उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, किस तरह से इसका यूज होता है, तो कैप्ट ऑन और वेंट ऑन क्या होता है, ये कीप ऑन और गो ऑन की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। अब इनका प्रयोग होता कहाँ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हमें यह ज्ञात हो, यह पता चल जाए कि पास्ट टेंस में कोई भी कार्य, कोई भी घटना कुछ समय तक लगातार चलती रही, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कीप ऑन और गो ऑन का। लेकिन पास्ट टेंस होता है तो किसका कैसे करते हैं, कैप्ट ऑन और वेंट ऑन का यूज करते हैं। अब किस सेंटेंस में कैप्ट ऑन और वेंट ऑन का यूज करना है, तो उसकी एक निश्चित पहचान होती है। जब सेंटेंस हिंदी में होता है तो उस हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा तारहा, ती रही और ते रहे, कितने भी वाक्य देख लीजिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चा रोता रहा, हम खेलते रहे, वह पढ़ता रहा, वह दिन भर सोती रही, तो ता रहा, ती रही, ते रहे वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जरूर आता है। और जब वो आता है तो हम किसका यूज करते हैं, कैप्ट ऑन और वेंट ऑन का। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में फिर हम कैप्ट ऑन या वेंट ऑन में से कोई सा एक लगा सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि हमें कौन सा लगाना, कोई सा एक लगा सकते हैं। उसके बाद में जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे लड़का दिन भर खेलता रहा, लड़का दिन भर खेलता रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द बॉय। अब क्योंकि पास्ट टेंस हो गया इस, तो कीप की सेकंड फॉर्म जो कि हमने लिखी हुई है, कैप्ट या वेंट कोई सा लगा देंगे, तो हम लगा दिया कैप्ट ऑन। फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया, कैप्ट ऑन प्लेइंग। और दिन भर द होल डे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अभी एक दो बात और हैं, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, अभी मैं और बताने जा रहा हूं आगे। तो ये क्या है, हम यहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेंट ऑन का भी कर सकते हैं। द बॉय वेंट ऑन प्लेइंग द होल डे, जैसे वह दिन भर कपड़े धोती रही, तो सी वेंट ऑन लगा दीजिए, और फिर धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश होती है, उसमें क्या लगा दिया, आई एन जी, वॉशिंग। द क्लॉथ्स दिन भर, द होल डे, ओके। अब दो वर्ड ऐसे होते हैं जिन जो कैप्ट ऑन और वेंट ऑन के स्थान पर उनका यूज हो जाता है, और वो वर्ड कौन से होते हैं, एक होता है कंटिन्यूड और दूसरा होता है रिमेंड, कंटिन्यूड और रिमेंड, ठीक है, ये वर्ड होते हैं। इनका भी यूज इसके स्थान पर हो जाता है, कैसे, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड या रिमेंड, कोई सा एक वर्ड लगा देंगे, उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। जैसे वह शाम तक रोती रही या रोता रहा, तो क्या बनेगा, ही
कंटिन्यूड या रिमेन्ड, एक लगा सकते हैं कोई भी। और फिर रोने की अंग्रेजी वीप, उस्मायंजी वीपिंग, शाम तक टिल इवनिंग। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय में, थोड़े समय में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है, ऐसा मेरा आकलन है, मेरा ऐसा एजम्पशन है कि ये आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, अन्य को भी एंकरेज करें इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।